साडा एका जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कैंपस और लाइब्रेरी को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके विरोध में सभी छात्र संघों ने अब प्रदर्शन और तेज करना शुरू कर दिया है। ये छात्र संघ इस फैसले के खिलाफ पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के लगभग सभी छात्र संघ शामिल हैं, जिन्होंने वीसी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की और घंटों तक प्रदर्शन भी किया, जिसमें काफी संख्या में छात्र शामिल थे, जिनका कहना था कि पंजाब यूनिवर्सिटी प्रशासन और वीसी को कैंपस व लाइब्रेरी खोलनी चाहिए। जब अन्य एजुकेशन संस्थान खुल सकते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों? पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और वे स्टूडेंट्स का भला नहीं चाहते हैं। रिसर्च स्कॉलर और अन्य स्टूडेंट लाइब्रेरी में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाइब्रेरी को ही बंद कर दिया है। असीं लगातार 7 दिनों तो इतने प्रदर्शन कर रहे हैं अपने लाइब्रेरी खुलवाने वास्ते, यूनिवर्सिटी खुलवाने वास्ते, पर वाइस चांसलर जो एक संघी वाइस चांसलर नागपुर तो अपॉइंटमेंट हुई है, वो लगातार जो विद्यार्थी इतने मंग कर रहे हैं उन्होंने गल भी नहीं सुन रहा। मतलब विद्यार्थी इतने लगातार अपने जमहूरी हकों लैके मतलब सारे तरह के असी हथ कंडे अपना के देख ले, पुतला फूक लिया इन्हों का, असी इन्होंने घेराबंदी कर ली, बट इन्नी बेशर्मगिरी जी यूनिवर्सिटी ने धार रखी आ। इस तो एक गल साफ आ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जरिए पंजाब यूनिवर्सिटी को एक संघ की प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं, पर विद्यार्थी भगत सिंह के वारस ने, सराबे के वारस ने, गुरु गोबिंद सिंह के वारस ने, मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी का एक इतिहास शायद इन्हें पता नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी का लड़न का इतिहास आ। SFS भी लगातार असी SFS तो लगातार असी कोशिश करते रहने कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक संघर्षों की पीड़ बनी रहे, तो असी ये हमेशा कोशिश करते रहेंगे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के किते भी अनडेमोक्रेटिक तानाशाही जिहड़ा संघ की प्रयोगशाला का जो प्रोजेक्ट है असी इसे दरकिनार करांगे, तो असी इसका मलिया मेट करांगे। डिमांड की है हम साड़ी डिमांड है कि यूनिवर्सिटी कल्ली पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, जिन्हें भी पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस ने वो सारे खोले जान, ते कुड़ियां दा होस्टल है जो 24 घंटे किया जाए, लाइब्रेरी 24 घंटे की जाए, सेनेट के इलेक्शन इमीडिएट करवाए जान, स्टूडेंट के इलेक्शन इमीडिएट करवाए जान, तो फीसा जिहड़ियां वधाइयां वो घट की जान, तो मैस की डाइट के जिहड़े रेट ने वो वधा दिते इन्हां ने वो घट किए जान, तो विद्यार्थियों की जिहड़ी गल्लबात उन्हां नूं सुनना चाहिए। बहरहाल इन सभी छात्र संघों ने चेतावनी दी है कि जब तक यूनिवर्सिटी कैंपस और लाइब्रेरी को नहीं खोला जाता तब तक उनका यह प्रदर्शन चलता रहेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगत सिंह की रिपोर्ट।